दोस्तों, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि परेशान हो चुके हैं अपना एयरटेल डीटीएच का प्लान बनाने में और चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जिनको आप डिलीट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो और वो हट नहीं पाते हैं। कैसे आपको रिमूव करना है, ऐड करना है, अपने हिसाब से पैक को मैनेज करना है, सब बताऊँगा इस वीडियो में आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सब अटैक में। दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको चैनल का करना है सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा देना है। साथ ही साथ में आपको घंटी के पे प्रेस कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है इस तरीके से, और वीडियो को आपको लाइक करना है। जब आप लाइक कर देंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कमेंट करना है, एयरटेल जो है यहाँ पर आपको एयरटेल डी टी एच यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एयरटेल डी टी एच यहाँ पे आपको प्लान लिखना है। इस तरीके से आपको कमेंट कर लेना है, आप इसको आपको सबमिट कर देना है। बस इतना सा आपको काम करना है और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्त यारों के साथ। तो चलिए, आपको सबसे पहले जाना है दोस्तों प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको माई एयरटेल ऐप को डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं ये ऐप आपको डाउनलोड करना है और मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, आपके पास एक नया इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है जो आपका डीटीएच एयरटेल डीटीएच के साथ में रजिस्टर्ड है, चाहे वो वोडाफोन का हो, आइडिया का हो, कोई सा भी मोबाइल नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो कनेक्शन है आपका डीटीएच का, आपके उसमें वो नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो आप यहाँ पर डाल देंगे और इसको लॉग इन कर देंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। दोस्तों, मैंने नंबर डाल दिया, आप देख सकते हैं, और रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, इसको आपको अलाउ करना है, और जैसे आप इसको अलाउ कर देंगे, आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में जाएगा एक ओटीपी और वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। बस इतना सा आपको करना है। तो चलिए, हम यहाँ पे जो हमारे पास ओटीपी आया दूसरे फ़ोन में, हम इसको देख लेते हैं और यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ओटीपी फिल किया और यहाँ से ये लॉगिन हो चुका है और इसको हम यहाँ पे स्वाइप कर देंगे और ओके गॉट इट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा जो है एयरटेल एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका है अकाउंट। आप ये लॉगिन कर देंगे और सबसे ऊपर आपको शो हो रहा है माय डीटीएच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कनेक्शन नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे माय डीटीएच के ऊपर और यहाँ पे माय अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे साथ हुई थी और प्रॉब्लम ये हुआ था कि आप रिमूव या एडिट नहीं कर सकते हो उस कंडीशन में। देखिए, मैं बताता हूँ किस कंडीशन में। यहाँ पे देखिए, मंथली प्लान 153 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आई बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप बगल में आपको क्लिक कर लेना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा NCF 153, यानी कि ये प्लान तो कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा मंथली का और ये आपको देना ही पड़ता सब्सक्रिप्शन चार्ज। और यहां पे अगर आपके पास एयरटेल बंडल पैक एक्टिवेट है, यानी कि अगर आपका यहां से एयरटेल बंडल पैक में आपको कुछ अमाउंट दिखा रहा है, 120 रुपए या 150 रुपए, यानी कि आपने एयरटेल बंडल पैक ले रखा है उनके हिसाब से, एयरटेल के वालों के हिसाब से, और जो उन्होंने सेलेक्टेड उनके चैनल होते हैं पूरे पैक में, तो यहां पे आप रिमूव या एडिट नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले, अगर आपका एयरटेल बंडल पैक एक्टिवेट है, तो आपको कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है। नेट पे आप सर्च कर लेंगे अपने स्टेट के हिसाब से कस्टमर केयर नंबर और वहां से पहले इसको सबसे पहले आपको रिमूव करवाना है, हटवाना है। मैंने यहां पे पहले सबसे पहले ही रिमूव करवा लिया है और अब मैं अपने हिसाब से चैनल को सेलेक्ट करता हूं। तो आप दोस्तों, यहां पे जब आप नीचे जाएंगे तो ऐड आला कार्ड, अगर आपको सिंगल सिंगल चैनल ऐड करने अपने हिसाब से, अगर आपको मैनेज करना, आप चाहते हो कि मैं एक एक चैनल करके देख के ऐड करूं, तो आप ऐड आला कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल एकदम पैक वाला जो है, जो सेलेक्टेड पैक होता है इनका, आप उसके हिसाब से उसको ऐड करें, तो आप ऐड ब्रॉडकास्टर पे जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एयरटेल का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको ये चैनल मिलते हैं जो कि ये इस तरीके से हैं। और अगर मैं और चीज़ की बात करूं, जैसे डिस्कवरी, और यहाँ पे आपको और भी चीज़ें, NDTV हो गया, बाकी चीज़ें आपको इस तरीके से यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, जी का प्लान ले सकते हैं, जी में 82 चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से बंच में ले सकते हैं बहुत सारे एक साथ। लेकिन अगर आप चाहते हो सिंगल सिंगल चैनल को ऐड करना, ये देख सकते हैं आप, ऐड आला कार्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे
जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अलग अलग लैंग्वेजेस के बहुत सारे जो है चैनल आपको मिल जाएंगे। जैसे हिंदी में अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हिंदी में आपको म्यूजिक में और यहाँ पे जी अनमोल सिनेमा और एयरटेल टीवी मिल जाएगा। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हिंदी न्यूज़ और हिंदी मूव यानी कि हिंदी मूवी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी मूवी यहाँ पे एंड ये कर लेता हूँ, एंड सिंपली मैंने यहाँ पे दो तीन चैनल मुश्किल से ऐड किए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरा 26 है, रिव्यू एंड बाय में देखिए 26 है, इसको क्लिक करूंगा तो 27 हो जाएगा, और बाय पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे जितने चैनल मैंने ऐड किए ना उतने चैनल मेरा ऐड हो चुका है, और 153 रुपीज़ का जो मेरा है चैनल है वो जो प्लान है, और उसके अलावा जो मैंने चैनल ऐड किए हैं उसके अलावा वो पैसे लग चुके हैं, यानी कि 161 रुपये का टोटल मिला के वो हो चुका है। और कन्फर्म जैसे ही मैं कन्फर्म करूंगा आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर चेंज रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, तो आप देख सकते हैं मेरा रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं अभी फिलहाल मेरे पे जो है रिमूव का यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमूव एक्टिवेट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, आपको आपका जो यहाँ पे चैनल दिखेगा अभी फिलहाल यहाँ पे और चीज़ें मेरे पास दिख नहीं रहा है, जो चैनल मैंने अभी ऐड किए थे वो जब सक्सेसफुली जो है वहाँ से ओके एक्टिवेट हो जाएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन नजर आएगा, जो चैनल आपको डिलीट करने हैं तो वहाँ से आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मेरे पास वो ऑप्शंस नहीं खुल के आया है क्योंकि मेरे चैनल अभी जो है प्लान प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है और थोड़ा टाइम लगता है 10 से 15 मिनट इसको एक्टिवेट होने में, तो आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं चैनल को। और दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर आप देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस में, तो आप देख सकते हैं कि आपका 257 रुपये जिस तरीके से मेरा दिख रहा है आप यहाँ पर अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने DTH बॉक्स को जो है HD में कन्वर्ट करें तो अपग्रेड बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये अपग्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चैनल को प्लान को चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा आपको वीडियो लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्त यारों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।